हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 बेटा, और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा रिमोट सेंसिंग। चलिए बेटा, आप पहले समझोगे, मैं बकायदा आपको डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा दूंगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, एक बात आप समझो, अगर हम लोग कंटूरिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग फिजिकली कहाँ तक कर सकते हैं? आप खुद भी सोचो, हम एक मोहल्ले का कंटूरिंग कर सकते हैं, एक सिटी का कंटूरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पूरे इंडिया का कंटूरिंग आप करो, तो यार ये फिजिकली थोड़ा सा क्या है बेटा, इम्पॉसिबल टाइप का है कि आप पूरे इंडिया का कंटूरिंग क्या करो बेटा, फिजिकली हर जगह घूम घूम कर करो, ठीक है। देखो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया, ये आप सभी को पता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंटूरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं। जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है ना, जैसे मान लो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो एरोप्लेन में कोई नीचे इंसान नहीं बैठा हुआ रहता देखने के लिए कि हाँ भैया उतारो, हाँ नीचे नीचे, हाँ थोड़ा, हाँ ऊपर लो, ऐसा तो कभी नहीं होता। एरोप्लेन में क्या होता है बेटा, एरोप्लेन में एक लगा हुआ रहता है ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या लगा हुआ रहता है बेटा, रिसीवर लगा हुआ रहता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, वेव को नीचे भेजता है, वेव जमीन से टकराकर रिसीवर में क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। तो जितने टाइम पर ये होता है ना, तो उसी टाइम से देखो, वेव आया टकरा कर रिसीवर में रिसीव हुआ, तो जितना टाइम में ये रिस्पॉन्ड करता है, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो एरोप्लेन है वो कितने हाइट में उड़ रहा है, कितने हाइट में उड़ रहा है, ठीक है। देखो रिमोट सेंसिंग अगर सबसे पहले किसी ने स्टार्ट करा था तो वो था अमेरिका। अमेरिका के पास बहुत एडवांटेज था भाई, है ना, मतलब मानकर चलो वो बैठे बैठे देख लेता था कि कौन से देश में क्या हरकत हो रही। अभी ना उसने गूगल मैप को क्या किया बेटा, वर्ल्ड वाइड कर दिया, क्योंकि उसे बिजनेस बनाना था और पैसे कमाने थे, वरना पहले सिर्फ अमेरिका के पास पूरी दुनिया का मैप था, वो बैठे बैठे देख लेता था कि इंडिया में कौन से सिटी में क्या प्रोजेक्ट चल रहा, वो सारी चीजें निगरानी रखता था, ठीक है। तो ये आज से 20 साल पहले की बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि एक्चुअली में रिमोट सेंसिंग होता क्या है। देखो बेटा, जैसे ये हमारा धरती है, ठीक, हमें इस पार्टिकुलर एरिया का कंटूरिंग करना है कि ये पार्टिकुलर एरिया दिखता कैसा, हिली एरिया है, ठीक है, या आपका मानकर चलो कि ये फॉरेस्ट एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं सैटेलाइट, ठीक, और सैटेलाइट में लगा हुआ रहता है सेंसर। सेंसर में क्या क्या होता है बेटा, सेंसर में आपका ट्रांसमीटर और क्या रहता है, रिसीवर रहता है। तो यहां पर हम लोग इस पार्टिकुलर एरिया पे क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन भेजते हैं। अब देखो बेटा, जब हम लोग रेडिएशन भेजेंगे तो यहां पर कुछ चीजें होंगी बेटा, रेडिएशन जब इस एरिया में आके टकराएगा तो कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक, और कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यह सेंसर क्या करता है बेटा, सेंसर इस चीज को क्या करता है, पहले पकड़ लेता है कि भैया कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, और उस डेटा को क्या करता है, फिर वो प्रोसेस करता है, उस डेटा को क्या करता है बेटा, वो प्रोसेस करता है, और जब वो डेटा प्रोसेस होता है तो इस पार्टिकुलर एरिया का क्या मैप है ये हमें पता चल जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम मैपिंग कर रहे हैं किसके थ्रू बेटा, सैटेलाइट के थ्रू, है ना। सैटेलाइट क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसको भेजता है, और उसके बाद सेंसर उसको रीड करता है कि कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना अब्जॉर्ब हुआ, उसी डेटा के आधार पर वो क्या करता है, उस पार्टिकुलर एरिया का मैप बताता है, और ये एकदम एक्यूरेट होता है, ठीक है, एकदम 0.001% चांसेस होते हैं कि वो गलत हो, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस हो गया कि अब तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इंडिया ने खुद का भी सैटेलाइट बेटा ऊपर छोड़ के रखा है। देखो मैप वैप तो सब अपनी जगह पे, सबको पता है कि मैप वगैरह आ गया, लेकिन जो मौसम का, जो वेदर का जो प्रेडिक्शन होता है ना, वो भी इसी के थ्रू होता है बेटा, है ना। इंडिया का खुद का सैटेलाइट है, ठीक है, इंडिया का खुद का सैटेलाइट है जो नजर रखे हुए रहता है कि बादल किस तरीके से आ रहा है, हवा किस तरफ चल रही है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है बेटा, रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही होती है,
अगर हमें पाकिस्तान में नजर रखना है कि भाई कोई वो मिलिट्री हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम पाकिस्तान जाकर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही उनके एरिया को अब्जॉर्व करेंगे कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने पुराने जमाने में मूवीज देखा होगा, ऐसे पुराने जमाने के मूवीज में कौन सा मूवी मैं सजेस्ट करूंगा जहां पे रिमोट सेंसिंग का, जैसे एक था पोखरण, उसमें अमेरिका इंडिया पे नजर रखता था रिमोट सेंसिंग के थ्रू। ठीक है, वो पार्टिकुलर हर एरिया को देखता था कि कहाँ पे ट्रक खड़ा है, फिर वहां खड़ा है कि नहीं, तो वो देखना वो मूवी तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, क्या रखता, कोई टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है बेटा, तो रिमोट सेंसिंग हमारे वेदर में भी बड़ा काम आता है। ठीक है, वेदर का जो प्रेडिक्शन होता है, और खास करके मान के चलो तूफान वगैरह आने वाला है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन को पहले ही पता चल जाता है, तो हम लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये जो गूगल मैप आप देखते हो, गूगल अर्थ देखते हो, ये पॉसिबल हुआ किसके थ्रू बेटा, रिमोट सेंसिंग के वजह से ये पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमें एक्यूरेटली पता है कि इंडिया में कौन सी जगह पर क्या है। अगर आप इंडिया में बैठ के दूसरे देश में भी देखना चाहते हो, आप देख सकते हो कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर तालाब है। ठीक है बेटा, चलिए, अब तो ये बात आपको आ गई समझ में, लेकिन समझने से तो नंबर नहीं ना मिलेगा, समझने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा मालिक। चलिए, अगर आपसे सिर्फ रिमोट सेंसिंग पूछता है एग्जाम में, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, और कंपोनेंट्स में देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है सेंसर, जो जिसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है बेटा। उसके बाद है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बोले तो आप किस में सेंसर को फिट किए हो, या तो वो सैटेलाइट भी हो सकता है, एरोप्लेन भी वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो डेटा आता है, उस डेटा प्रोसेसिंग कहां पे होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग को, चलिए, अगर एग्जाम में आपको रिमोट सेंसिंग पूछता है, तो आप ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे। रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट्स को भी लिख देंगे बेटा, क्योंकि 7 नंबर के लिए सिर्फ इतना लिखेंगे तो नंबर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंट्स भी लिखेंगे। कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है सेंसर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, उसके बाद है प्लेटफॉर्म, किसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, हो सकता है कि वो सैटेलाइट हो, ड्रोन भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, कि सेंसर जो डेटा लाता है वो डेटा प्रोसेसिंग में जाता है, उसी से फिर हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा जगह कैसा है। ठीक है बेटा, चलो, उसके अलावा क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन भी 2-3 आप लिख देना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एप्लीकेशन ही पूछ देता है, इसको आप नोट कीजिए, पहले नोट करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पॉइंट वाइज में लेकर आया, एकदम कचरा नहीं है, बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है कि नंबर आपको पूरे मिले। ठीक है, चलो, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, कभी कभी सिर्फ एप्लीकेशन पूछ देता है, तो कम से कम 7 पॉइंट लिखेंगे तो 7 नंबर हमें मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। हमने बोला ना कि हम लोग देखते हैं कि कहां पर, अगर मान के चलो बारिश होने वाली है, कहां पर बाढ़ आया, तो कितना बाढ़ आया, कौन सा इलाका डूबा है, तो ये सारी चीजें रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कहां पर सॉइल कैसा है। ठीक है, ये हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट स्टडी, अर्बन प्लानिंग, देखो बेटा रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमें पता रहता है कि कौन सी जगह पर क्या है, तो हम लोग अर्बन प्लानिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें एक शहर बसाना है तो शहर में क्या क्या चीजें हम लोग वहां पे कर सकते हैं, तो ये हम लोग रिमोट सेंसिंग के हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, अब आपको देखना है कि कितना डैमेज हुआ है, तो आप रिमोट सेंसिंग से भी देख सकते हैं उस एरिया पे, रिमोट सेंसिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कितना डैमेज हुआ। अगर फ्लड आया है तो आपको रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता चल जाएगा कि कितना एरिया है जो पानी में डूबा है, इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। एप्लीकेशंस, खैर ये रिमोट सेंसिंग इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट कितना है नहीं है वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, मिलिट्री और डिफेंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और ज्योग्राफी और आपका मिनरल, सॉरी जियोलॉजी और आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन भी हम लोग इससे कर सकते हैं, तो उसको आप नोट कर लो, कम से कम भैया 6-7 आप लिखोगे तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक आध टॉपिक और रह गया, उसको अपन करवा देंगे तो पूरा काम अपना हो जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।